ज्ञान वापी की राह पर मथुरा, अयोध्या में खत्म होगा खतरा। मथुरा की जिला अदालत ने दिया सर्वे का आदेश, सियासत हुई तेज। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद अब ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी की राह पर जाता नजर आ रहा, क्योंकि मथुरा की जिला कोर्ट ने ज्ञान वापी की तर्ज पर सर्वे का आदेश दे दिया है और 20 जनवरी तक कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिस पे मथुरा में कोर्ट का जजमेंट आया है कि वहां सर्वे होना चाहिए और 20 जनवरी तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में समर्पित करनी चाहिए, सौंपनी चाहिए। पर मैं कोर्ट से भी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ, सनातनी बहुत सहनशील है, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि भगवान श्री श्याम सुंदर की है, ये सर्व जगह ज्ञात है, ये सबको मालूम है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को सत्य का सामना करने की हिम्मत है और उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, वो सर्वे का विरोध नहीं कर सकते। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय ने एक आदेश दिया है जिसमें पूरी भूमि की सर्वे कराने की बात कही है। जो विवादित भूमि है 13.37 एकड़, उसकी सर्वे कराने की बात कही है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बना है, लेकिन 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। याचिका में ईदगाह मस्जिद वाली जमीन को हिंदू पक्ष को देने की मांग की गई है, साथ ही 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग है। लेकिन हिंदू सेना के दावे में कितना दम है, इसका फैसला अब सर्वे की रिपोर्ट में होगा। लेकिन जहाँ मथुरा में सर्वे की तैयारी हो रही, वहीं अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी हो रही। इसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने जो प्लान तैयार किया है, उसके सबसे अहम हिस्से में राम मंदिर परिसर से सटे मकानों और स्थानों को मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्र कहा गया है। इसकी ऊंचाई 7.5 मीटर है और कुछ दूर की क्षेत्रों को मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्र 2 कहा गया है। गौरतलब है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा, अब राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ इसकी सुरक्षा पर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। मंदिर के आसपास कोई भी जो भी भवन निर्माण हो, 1 मंजिल से ऊपर ना हो। इसके बाद ट्रस्ट का भी, सरकार का भी, विकास प्राधिकरण का भी कोशिश है कि वो जो पूरा एरिया एक कलर में हो। मतलब एकदम साफ, अयोध्या हो या मथुरा या फिर काशी, ये सभी आध्यात्म के केंद्र हैं। इन सभी में हिंदुओं की आस्था है और सबसे बड़ी बात ये कि केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार के एजेंडे में ये शामिल है, जिसका जिक्र कई बार सरकार करती भी रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या 20 जनवरी को मथुरा में विवाद की पूरी पिक्चर साफ होगी, क्योंकि सवाल ज्ञानवापी का भी है जिसका फैसला अभी तक नहीं आया।